बातचीत prakashkhabar.com के प्रकाश खबर टेक्निकल्स पे रचना मानस जी, रुचित और साथ ही साथ अमित सेठ हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए। बोर्ड रूम में आज बातचीत होगी श्रीराम प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट से ईडी एंड ग्रुप CFO श्री गोपाल कृष्णन मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे बातचीत। फिर आएंगे चार ट्रेड्स चार के चमत्कार में सस्ता ऑप्शन रुचित जी के सौजन्य से, FNO सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से, चार के चमत्कार मानस जी के सौजन्य से और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मुता जी के सौजन्य से आएगा। उसके बाद बातचीत करेंगे आज सुमित से, एक खास करके जो म्यूचुअल फंड्स द्वारा बाइंग सेलिंग हुई है वो एग्जैक्टली क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, किन स्टॉक फ्यूचर्स को चेज कर रहे हैं, किन पे अगर आप देखें वो अवॉइड परिस्थिति में है। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे दीपन मेहता डायरेक्टर ईक्लक्स सर्विस के इक्विटीज के, और उसके बाद डीलिंग रूम चेक और BTS ट्रेड 3:10 पर। अनुज ठीक बोलो ले रहा है। ओके, इस बीच आइए कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। इस बीच रिलायंस डे लो की ट्रेजिक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ, एक बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं इस वक्त है, जहां पे मूव अच्छा खासा रहा है। M&M पोस्ट अर्निंग्स, कल अगर आप देखें इसी टाइम अर्निंग्स आई थी, और BPCL 653 पे, पावर ग्रिड 283 पैकेट ट्रेड करता हुआ, और ONGC यहाँ पे करीब 3.5% रुपये, सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव है डे हाई की डायरेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। और HPCL, NMDC, गेल, PI इंडस्ट्रीज, इन सभी काउंटर्स में करीब करीब 5% का स्विंग देखने को मिल रहा है। फिर आइए जरा एक बार देखते हैं कि बैकफुट पे क्या है। अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा आज बैकफुट पे आया। एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, HUL, इन सभी काउंटर्स में आज सॉफ्टनेस है, लेकिन सॉफ्टनेस कोई बहुत भारी नहीं यहाँ पे। और जी एंटरटेनमेंट, वेदांता, मुथूट फाइनेंस और AB फैशन जैसे काउंटर्स जाके इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पे ट्रेड करते हुए। अनुज ओके, चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और आज की कॉल्स लेते हैं। फिर आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की। वेल गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड इस वक्त है एशियन पेंट्स, बढ़िया बेस बना हुआ और बेस से अभी अभी बाहर निकला है। 2996 पर ट्रेड करा एशियन पेंट्स, स्टॉप होगा 2990, 6 रुपीज, खास नहीं है। ऑन द अपसाइड टारगेट होगी 3050 के एशियन पेंट्स। ओके, एशियन पेंट्स इस समय के पिक। मानस गुड आफ्टरनून, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनु जी, तो देखिए पावर ग्रिड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। दो दिन पहले बॉटम बनाया था 20 मूविंग एवरेज के आसपास, आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे पावर ग्रिड में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 277.50 के रहेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और जो नया टारगेट है वो 290 रुपए तक के हो सकते हैं पावर ग्रिड में। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो 285 वाला कॉल ऑप्शन पावर ग्रिड का लिया जा सकता है, 6.60 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, 4.90 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहां पर खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। हाँ चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका पावर ग्रिड बाय कॉल है, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे मिलता हुआ। अब सारी पहले कॉल्स ले लेते हैं। रचना जी आपका ट्रेड इस वक्त का। जी मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा वो शॉर्ट साइड पे रहेगा इन अपोलो हॉस्पिटल्स, और अपोलो हॉस्पिटल्स में एज अ डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट्स के पास भी है ये, और यहाँ पे गिरावट जो बनी है वो और एग्रेवेट हो सकती है। डाउन साइड पे ये एज ऑफ नाउ 6625 पे है, पर ये जा सकता है 6580 तक, तो यहाँ से 40 रुपीज का और फर्दर ब्रेकडाउन मुझे नजर आ रहा है। ऊपर वाली साइड पे SL होना चाहिए करीब करीब 6660 पे, और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के जरिए भी खेलना है तो भी इसमें ऑप्शन के जरिए खेला जा सकता है बाय गोइंग फॉर अ पुट ऑप्शन फॉर 6650, जिसमें अभी करीब करीब 155 के आसपास का लेवल है, 160-65 और 70 तक ये जा सकता है आसानी से 140 के SL के साथ। ओके ओके, अब आते हैं राजेश सतपुते जी के ट्वीट की तरफ। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त। वीरेन जी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी देखिए थोड़ा कॉन्ट्रा बाय है यहाँ पे मेरा, और वो बाय रहेगा HDFC बैंक पे। अगर आप HDFC बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो 1380 और 1400 ये इसका बॉटम बन रहा है यहाँ पे, और अगर आप टेक्निकली देखें तो इससे डाइवर्जेंस और जिसका प्रोजेक्शन बनता है करीबन 1460 का, 1400 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए, तो एक कॉन्ट्रा बाय में प्ले करूंगा। सो बाय करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1385 का, और जो रिलीफ रैली है जो मैं देख रहा हूँ 1460 ये इसका टारगेट होगा। सो इट्स अ बाय इन HDFC बैंक। ओके, बाय इन HDFC बैंक। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ। आशीष गुड आफ्टरनून, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक।
गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए मेरा सबसे पावर ऐसा सेगमेंट है जिसको अभी भी बहुत ही स्ट्रांग एक फोकस के साथ हम देख रहे हैं, और हमने कोल इंडिया की बात अभी कई बार कल भी हमने आपके चैनल पे की, उसके पहले भी कई बार की, और हमें लगता है एनटीपीसी भी उसी श्रृंखला में बहुत ही एक स्ट्रांग कैंडिडेट हमें नजर आता है, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट रैली एनटीपीसी में शायद देखने को नजर आ सकती है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि एक तो पहला डिस्क्लोजर ही रहेगा कि एनटीपीसी हमारे पोर्टफोलियो में एक कोर पोजिशन के तौर पर हमने इसको रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि इस रैली में ये स्टॉक 370-380 की ट्रैजेक्टरी को छूता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली भी बहुत ही बढ़िया बेस अब इसने 320 की जोन में बनाया, तो मुझे लगता है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एनटीपीसी पे देखने को नजर आ रहा है। अब जहां तक के नंबर्स की बात है तो ऑलमोस्ट 72 गीगावाट की कैपेसिटी एज ऑफ नाउ एनटीपीसी की, और हमारा मानना है कि जो मिनिस्ट्री पावर मिनिस्ट्री अभी जो अनाउंस कर रही है 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट, उसमें एनटीपीसी बहुत ही अच्छी तरह से बिडिंग करता हुआ नजर आएगा, और करेंटली इनकी जो पाइपलाइन है वो ऑलमोस्ट 20 गीगावाट की है, तो हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फोरे ये रिन्यूएबल एनर्जी में कर रहे हैं और साथ ही साथ कोल के अंदर में काफी काम कर रहे हैं, और जिस तरह से पीक पावर शॉर्टेजेस हमें देखने को नजर आ रहे हैं और पावर की डिमांड बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कोल के अलावा एनटीपीसी के अंदर में एक बढ़िया अप ट्रेंड करेंट लेवल से देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें कॉल्स का काम पूरा हो गया, अब आते हैं इंडेक्स पर, रणनीति पे बात करते हैं। 21935 ये आपके स्क्रीन पर निफ्टी का लेवल है, और साथ ही साथ 46160 निफ्टी बैंक का लेवल है। इस बीच अच्छा ही काम करते हैं, जरा रुचित का व्यू और जोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं उससे इंडेक्स से बात करूंगा। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका कॉल क्या है इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून। ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा जहां पे खरीदारी की सलाह है। सो प्राइमरी हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो बन रहा है, बना हुआ है काफी टाइम से स्टॉक में, वो रिज्यूम हुआ है, प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया, प्राइस अप मूव्स के साथ में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे है, तो यहाँ पे 273 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी की सलाह रहेगी 287 के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, ओएनजीसी 278 पे डी हाई पैकेट ट्रेड करता हुआ। अनुज, अब एक पहले इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी 21930, कल वो लॉन्ग कैरी करा, साथ ही साथ सुबह भी आपकी जो अप्रोच थी जिसमें डिप को बाय करना था, अब हम एक बार फिर से 22000 की दहलीज पे, स्टैट्स क्या कहते हैं और अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पर? नहीं वीर, बिल्कुल, देखिए बाय ऑन डिप्स, आज भी मार्केट ने आपको डिप्स दिए, आई थिंक दो डिप्स दिए, और अब एक व्यू बहुत क्लियर है कि जब तक 21500 स्क्रीन पर इंटैक्ट है हर छोटी या बड़ी डिप को बाय करें, छोटी डिप इंटरडे के लिए, बड़ी डिप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और इसी अप्रोच के साथ आप काम करें। मेरे ख्याल से वो जो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 वाला फॉर्मूला है, मुझे लग रहा है अब उसकी ना भूमिका बननी शुरू हो गई है, और आज जिस तरीके से मार्केट ने सपोजिटली नेगेटिव न्यूज, मतलब सपोजिटली नेगेटिव मतलब वो जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो न्यूज़ आ रही थी, ये सपोजिटली एक नेगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मार्केट ने उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया, और जिस तरीके से मार्केट अब डे हाई पर आ गया, और एक चीज़ आज एक अच्छी चीज़ मार्केट के लिए हुई कि इवन HDFC बैंक ने भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। आज रिलायंस नहीं चला लेकिन HDFC बैंक चल गया, आज HDFC बैंक करीब करीब 2% ऊपर, तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। निफ्टी में एक चीज़ क्लियर है, मार्केट को लीडर्स मिलते रहेंगे, कभी रिलायंस, कभी इन्फोसिस, कभी TCS, कभी HDFC बैंक, ये सब होता रहेगा। निफ्टी बैंक में अभी भी मैं ये कहूँगा कि पोजिशनल ट्रेड नहीं है बिरू, पोजिशनल ट्रेड अभी भी नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कभी भी ये डर लगा रहेगा कि HDFC बैंक में कोई कल को नेगेटिव खबर आ गई तो वो अगर गिर गया तो इसके लिए एक हमेशा जो ज़्यादा आपका रिस्क, जो आपका कंफर्ट रहेगा ना, वो निफ्टी में रहेगा। हाँ ये चीज़ जरूर है कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग्स जो होंगी वो बैंक निफ्टी में आएंगी, जैसे कल भी बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आई, आज भी बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आया, वो होता रहेगा, लेकिन अगर आपको एक पोजिशनल कम्फर्ट चाहिए ना, वो निफ्टी में ज़्यादा है बजाय कि बैंक निफ्टी के। ओके और अनुज, अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, SBI ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया वहां पे, अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहे, किसी ने स्टॉक कुछ चीज किया दैट्स गुड, बट निफ्टी बैंक पे क्लियर थॉट्स कब आएंगे, क्योंकि HDFC बैंक ने आज एक पॉज लिया है लेकिन अभी भी शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में पार नहीं हुआ है। बिल्कुल, क्लियर थॉट्स कब आएंगे SBI पे, ये इंडेक्स पे? हां आई थिंक बिरू 46600 एक रेंज रही है बैंक निफ्टी की ऊपरी साइड पर, आई थिंक इसके ऊपर अगर आपको 2-3 क्लोज मिल जाए 46500-46600 के, उसके बाद यहाँ पर भी एक क्लियर कट अप्रोच आएगी बैंक निफ्टी पर। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी अगर आप बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग लेंगे तो आपका तर्कसंगत स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी डीप हो जाएगा अपने आप 44800 पर, जो कि हमने लगातार बात की थी कल का लो 44800, अब वहाँ से हम 46200 पर हैं, तो सीधा 1400-1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है
बैंक निफ्टी पर। अब 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस तभी काम करता है ना जब अगर आपका अपसाइड आपको दिख रही हो 4500 पॉइंट की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।